नमस्कार दोस्तों, अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया। कुछ लोकार्पण भी किए, कुछ लोगों से मुलाकात की, दर्शन पूजन किया। सारे ये चित्र भी हम आपको, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे मिनट मिनट की, और साथ ही मंदिर निर्माण की क्या प्रगति है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी हम आपको जरूर सुनवाएंगे। दोस्तों, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उनका हेलीकॉप्टर रामकथा मैदान हेलीपैड पर उतरा, जहां उन्हें सलामी दी गई। इस मौके पर अयोध्या के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद थे। यहां से सीएम योगी हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। इसके बाद सीएम योगी ने राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में रामलला का दर्शन पूजन किया, उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने राम पथ, भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ का निरीक्षण किया, और साथ ही सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन संपार 111 और 112 का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने नव निर्मित श्री राम नाम स्तूप एवं रामलला भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम योगी मणिदास छावनी पहुंचे, जहां उन्होंने महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान शासन और प्रशासन द्वारा उन्हें अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की लगातार जानकारियां दी जाती रही। दोस्तों, इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है, विकास के कार्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारी 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। लखनऊ अयोध्या हाईवे को जोड़ने के लिए श्री राम पथ का निर्माण हो रहा है और मंदिर का निर्माण 70% पूरा कर लिया गया है। अब देखते हैं कि सीएम योगी ने क्या रिकॉर्ड बनाया है। जी दोस्तों, लगातार 6 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने का ये रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में अब सीएम योगी के नाम हो गया है, क्योंकि इससे पहले लगातार सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी 28 दिसंबर 1954 में। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए हैं, जिन्होंने 2017 में कमान संभाली थी, सत्ता संभाली थी, और उसके बाद अब 2023 चल रहा है। आइए अब ये भी देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण करने के बाद क्या कुछ कहा। के पूर्व यहां पर रामकोट के भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पवित्र स्थल पर नाम और नामी दोनों यहां पर विराजमान है। हम सब जानते हैं कि हम सब ने अपने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को पढ़ा है, और हम सब जानते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरा ही पारा। यानी कलयुग में नाम का अपना महत्व है, और उसके बारे में भी जो बात कही गई है कि जपात सतम पुण्यम गुणम पुण्यम रामानामाभिलेखनम, यानी जब से 100 गुना ज्यादा पुण्य नाम लिखने से, और यहां पर तो 28 करोड़ नाम रामकोट में संरक्षित किए गए हैं, और ये निरंतर इसमें अभिवृद्धि होती भी दिखाई देगी। यानी इसका पुण्य हमें अनंत काल तक न केवल सन्मार्ग पर ले चलने की, बल्कि हम सबको जीवन के समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। और रामकोट में सब कुछ विराजमान है, प्रभु का नाम भी है और भगवान प्रभु का यहां पर नामी भी है। 28 करोड़ लेखन के माध्यम से प्रभु के नाम को यहां पर पूरी तरह संरक्षित करके हम यहां पर उस पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। मैं जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पूर्व
अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखकर के उन्होंने भव्य यहां पे धर्मशाला और इस भव्य अतिथिशाला का निर्माण कार्य भी संपन्न कर दिया। यह अद्भुत है और ये हर आश्रम को करना चाहिए, अभी से तैयारी हो जाए कि कोई भी श्रद्धालु आएगा देश का अयोध्या में, अयोध्या के अनुरूप उसे उस प्रकार की सुविधा भी मिले और वह जो यहां पे रुक करके कुछ समय प्रभु का नाम स्मरण करना चाहे, जप करना चाहे, कुछ दिनों के रह करके यहां पर सिद्ध साधना करना चाहे, तो ये सब कुछ उसे यहां पर सुलभ हो। सरकार यहां पर बुनियादी सुविधाओं के लिए बेहतरीन कार्य करने जा रही है और मैं तो चाहूंगा कि हमें बिजली के खर्चे को कम करने के लिए सोलर पैनल, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग भी करना चाहिए। सोलर पैनल लगा करके आप जितनी बिजली अपने यहां खर्च करेंगे आपके कनेक्शन से उतनी तो कटौती हो ही जाएगी, लेकिन अगर आपके पास सरप्लस ऊर्जा होगी उसको सरकार लेगी और उसका दाम भी आपको उपलब्ध करवा देगी। इसके लिए भी हम लोगों ने आश्रमों के लिए, घरों के लिए नेट मीटरिंग की व्यवस्था की है और जो कॉमर्शियल स्थल है वहां पर नेट बिलिंग की व्यवस्था भी की है। हम इन सभी सुविधाओं का लाभ अगर समयबद्ध तरीके से ले लेंगे तो स्वाभाविक रूप से अयोध्या को सोलर सिटी, सूर्यवंश की राजधानी है तो सोलर सिटी के रूप में से विकसित करने की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है उसके अनुरूप यहां कार्य को गति देने में सफलता प्राप्त होगी। अयोध्या में सड़कों के निर्माण को तेज गति से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। फोर लेन की कनेक्टिविटी चारों ओर से रामपथ नए घाट से लेकर के और राम जन्मभूमि होते हुए आगे लखनऊ मार्ग तक, लखनऊ मार्ग से भी टेढ़ी बाजार होते हुए फोर लेन की कनेक्टिविटी दी जा रही है। हनुमानगढ़ी के बगल से भक्ति पथ का निर्माण किया जा रहा है और यही नहीं सुग्रीव किला के बगल से भी फोर लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी श्री राम जन्मभूमि के लिए उपलब्ध करवा करके श्रद्धालुओं की सुविधा को, बेहतरीन सुविधा को ध्यान में रख करके यहां पर अन्य अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आने वाले समय में अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो यही प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और उसी के अनुरूप केंद्र और राज्य सरकारें पंचकोसी परिक्रमा को, 14 कोसी परिक्रमा को, 84 कोसी परिक्रमा को, संतों और श्रद्धालुजनों को मिलने वाली सुविधा को ध्यान में रखकर के अनेक कार्यक्रम चला रही है। हम सबको भी अतीव श्रद्धाभाव के साथ, अभी थोड़ा जिस समय तोड़फोड़ चल रही है, निर्माण कार्य चल रहा है तो अभी बेतरतीब लोगों को लग रहा होगा, लेकिन अभी अगले एक वर्ष के अंदर आप देखेंगे एक सुंदर स्वरूप अयोध्या का हम सबको देखते हुए बनेगा। मैं इस अवसर पर आज एक बार फिर से पूज्य जेयर स्वामी जी का, जगत गुरु रामानुज आचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी का और उनकी सभी पूज्य संतों का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें कोटि कोटि बधाई देता हूं।